हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरानी बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरानी बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर फॉर प्लस वन क्लास, और प्लस वन क्लास के लिए हमने शुरू किया हुआ चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। और इस चैप्टर में हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, दैट इज़ अबाउट द हायरार्की, कि जो हमारे पास हायरार्की होती है, जो कैटेगरीज होती हैं, उसको हमने डिस्क्राइब किया था कि हमारे पास हमने स्मॉलेस्ट कैटेगरी से लेके हाईएस्ट कैटेगरी तक का हमने क्लासिफिकेशन वहाँ पर स्टडी किया था। अगर आपने अब तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे जो लेक्चर्स हैं उन पर कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और उनको लाइक कीजिएगा, उनको शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब होता है बच्चों टूल्स फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टडी। कि हमारे पास जो टैक्सोनॉमिकल टूल्स हैं वो ऐसे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम टैक्सोनॉमी को स्टडी करेंगे। अब चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल एड इज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। एक्चुअली जो टैक्सोनॉमिकल एड्स होती है, दीज आर द टेक्निक्स, और यू कैन से दीज आर द प्रोसीजर एंड स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन। कि आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ही यूजफुल टेक्निक होगी, प्रोसीजर होगा, और स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होगी, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या कह देंगे यहाँ पे, टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि जो हमारे पास एड्स होती हैं, ये सिंपली एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा प्रोसीजर है, और यू कैन से स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, भी इसकी क्या जरूरत है हमें टैक्सोनॉमिकल एड्स की। दीज आर रिक्वायर्ड बिकॉज टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक टू ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेज ऑफ द बायोलॉजिकल स्टडी। कि जो भी टैक्सोनॉमिकल स्टडी है, जैसे हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं, या अदर ऑर्गेनिज्म की भी स्टडी करते हैं, तो जो हमारे पास बायोलॉजिकल स्टडी है, इसकी सारी जितनी भी ब्रांचेज हैं, उसके लिए बेसिक थिंग क्या है, उनकी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज होती हैं। किस काम के लिए, फॉर देयर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। कि हमें प्रॉपर अगर आइडेंटिफिकेशन करना है ऑर्गेनिज्म का, तो हमें उसकी टैक्सोनॉमिकल स्टडी करनी पड़ेगी, एंड फाइंडिंग देयर रिलेशनशिप विद द अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, उसके लिए हमें टैक्सोनॉमिकल स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हमें करना है तो हमारे पास बहुत सारे करेक्टर होने चाहिए, और उनके बीच में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अमंग क्या रिलेशनशिप है, उसका हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, जो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। कि आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्स बोथ फील्ड स्टडी, इसके लिए हमें फील्ड स्टडी भी करनी पड़ेगी, हमें फील्ड में जाना पड़ेगा, ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, उसको उसके स्पेसिमेन हमें कलेक्ट करनी पड़ेंगे। और दूसरा काम क्या चाहिए, इंटेंसिव लेबोरेटरी स्टडीज़, कि हम क्या करेंगे, फील्ड में जाके कोई भी स्पेसिमेन कलेक्ट करके ला सकते हैं, फिर हम उसको लैब के अंदर ला के उसके बहुत सारे करेक्टर्स, उसका हैबिटेट, ये सारा हम वहाँ पर इंटेंसिव स्टडी उसके ऊपर कर सकते हैं। तो चलिए, आइडेंटिफिकेशन जब हम फील्ड स्टडी करेंगे और इंटेंसिव लेबोरेटरी स्टडीज़ करेंगे, इसके लिए हमें कैसे कैसे प्रोसीजर अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हम कलेक्शन करेंगे, मीन्स कि जो भी ऑर्गेनिज्म हमें स्टडी करना है उसको हम पहले कलेक्ट करेंगे, फिर उसको प्रिजर्वेशन करेंगे, किसका, एक्चुअल स्पेसीमैन का। अगर हम सपोज करो किसी प्लांट का स्पेसीमैन कलेक्ट करना चाहते हैं, या किसी एनिमल का करना चाहते हैं, तो हमें उसको कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। आफ्टर दैट द इन्फॉर्मेशन अबाउट हैबिटेट, फिर हमें उसका हैबिटेट भी, हमने उसको कहाँ से लिया, एक्चुअल स्पेसीमैन को हमने लिया कहाँ से, उसकी हैबिट्स क्या हैं, एंड अदर ऑब्जर्व ट्रेट्स आर आल्सो रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद द स्पेसीमैन। कि जो स्पेसीमैन है जहाँ पे हम उसको फिक्स करेंगे, तो उसके साथ साथ हम ये हैबिटेट्स और यू कैन से ऑब्जर्व ट्रेट्स उसके साथ ही हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे स्पेसीमैन के साथ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जिनकी हेल्प से हम मीन्स ये पढ़ेंगे कि हम उनको किस तरह से कलेक्ट करेंगे, उनको प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं एक्चुअल स्पेसीमैन को, क्योंकि वो प्लांट्स के लिए वेरी करेगा, एनिमल्स के लिए भी वेरी करेगा, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए वहाँ पर डिफरेंट काइंड की टैक्सोनॉमिकल एड्स होती हैं। दीज आर यू कैन से डिफरेंट। नाउ सम इम्पोर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड्स, हमारे पास जो टूल्स हैं अवेलेबल, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। पहला, जैसे हर्बेरियम हमारे पास होता है,
दूसरा हमारे पास बोटेनिकल गार्डन्स हैं, तीसरा हमारे पास म्यूजियम्स हैं, फोर्थ हमारे पास जूलॉजिकल पार्क है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कीज। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो हर्बेरियम है कि हर्बेरियम क्या होता है, हाउ इट विल हेल्प इन द यू कैन से टैक्सोनॉमिकल स्टडीज और आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले जानते हैं हर्बेरियम क्या है। इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ द प्लांट्स दैट हैव बीन ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन द सीड्स। कि हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, कि हमने क्या किया, हमने प्लांट्स को लिया, उनको हमने क्या किया, ड्राई कर लिया सबसे पहले। और ड्राई करने का क्या तरीका हो सकता है कि हम प्लांट को ले लेंगे, सपोज हमने क्या किया, एक लीफ लिया है हमने किसी भी प्लांट का, सपोज हमने ये लीफ लिया है, हम क्या करेंगे इसको ड्राई करेंगे सबसे पहले, और फिर इसको प्रेस करेंगे, मीन्स अखबार के फोल्ड्स में रख के, ठीक है ना, इसको ऊपर से प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये जल्दी ड्राई अप हो जाएगा और ये हार्ड हो जाएगा, अब क्योंकि ये हार्ड हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिजर्व हमने कर लिया है, ड्राई प्रिजर्वेशन इसको हम बोलते हैं, और इसको सीड्स के ऊपर ले लेंगे। भैया हम क्या करेंगे, ऐसे एक ए बाई फोर का साइज का पेज ले लेंगे और इस लीफ को यहाँ पर ऐसे रख देंगे सीधा, बिल्कुल ओके। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऊपर ऐसे टेप लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से, ये यह हमने यहाँ पर टेप लगा दी, तो हमारा ये यहाँ पे बन गया, ये एक हर्बेरियम शीट बन गई हमारी तैयार। उसके बाद हम करेंगे, दीज शीट्स आर अरेंज्ड इन अकॉर्डिंग विद द वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कि इंडिया के अंदर जो वाइडली यूज एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर का चलता है, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन हम यूज करते हैं ओके इन इंडिया, ये यूज होता है इंडिया के अंदर बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ईच सीट इन लेबल्ड अबाउट, कि हर सीट के ऊपर क्या लिखा होगा, फैमिली। कि यहाँ इसके राइट कॉर्नर में यहाँ पर इसकी फैमिली लिखी होगी कि कौन सी फैमिली से ये लीफ है या जो प्लाट है बिलोंग करता है। दूसरा यहाँ पर इसका जीनस मेंशन होगा कि कौन सा जीनस है। फिर इसकी स्पीसीज यहाँ पर मेंशन होगी कि कौन सी स्पीसीज है। इसके ऑथर का नाम लिखा होगा यहाँ पे। फिर प्लाट की करेक्टरिस्टिक लिखी होंगी, और फाइनली कि इसके ऊपर डेट लिखी होगी और कलेक्टर्स का नेम लिखा होगा, कलेक्टर नेम इज मेंशन्ड। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इस हर्बेरियम के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इस तरह से कि जो हर्बेरियम होते हैं, सिंपली बात है कि दीज आर द ड्राइड यू कैन से प्रिजर्वेशन का, ड्राई प्रिजर्वेशन होता है, लिक्विड नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन कुछ का कर भी सकते हैं हम, उसको फॉर्मलिन के अंदर प्रिजर्व कर सकते हैं अगर वो प्लांट स्मॉल साइज का, अगर बड़े साइज का प्लांट है तो उसका हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, लीव्स को ड्राई प्रिजर्व कर सकते हैं और हर्बेरियम शीट वहां पर बना सकते हैं। तो हर्बेरियम क्या होते हैं, ये ड्राइड प्रिजर्वेशन होता है। चलिए अब पढ़ लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। नेक्स्ट है फिर यूजेज ऑफ द हर्बेरियम। देखिए जो हर्बेरियम है उनका यूज क्या हो सकता है। फर्स्ट यूज है, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकल फ्लोरा एज वेल एज द डिस्टेंट एरियाज। कि अगर हम एक ही जगह बैठ के डिफरेंट एरियाज के फ्लोरा की स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हर्बेरियम जो है इट इज़ द बेस्ट वे। क्यों? क्योंकि हमें जो लोकल एरिया के फ्लोरा है, हमें जो प्लांट्स हैं उनकी हम इंफॉर्मेशन हर्बेरियम से ले सकते हैं। और दूसरा जो डिस्टेंट, जहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल रहता है और ये कैसे डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, अगर हम वहाँ जाके विजिट करेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन हम एक जगह बैठ के किसी भी लाइब्रेरी में जहाँ हर्बेरियम प्रेजेंट होगा, हर्बेरिया जहाँ पे अवेलेबल होगा, वहाँ बैठ के लोकल एज वेल एज यू कैन से डिस्टेंट एरियाज के फ्लोरा के बारे में वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। हर्बेरिया आर यूज फॉर द करेक्ट एंड ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन प्लांट्स। कि जितने भी नॉन प्लांट्स हैं उसकी जो ऑथेंटिसिटी है और यू कैन से उसका जो करेक्ट यू कैन से इन्फॉर्मेशन है वो हमें हर्बेरियम ही दे सकता है। क्योंकि ये जो हर्बेरियम होते हैं इनको एक्चुअल ये स्पेसिमैन होते हैं और इसके ऊपर सारी जो यू कैन से स्पेसिमैन की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इवन जो कलेक्टर का नेम है, डेट है, टाइम है ऑफ कलेक्शन, वो सारा इसके ऊपर रिटर्न होता है। तो ये ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। कि अगर हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस के हर्बेरिया प्रेजेंट है, ठीक है ना, सपोज हम राजस्थान नहीं जा सकते या हम साउथ इंडिया के प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं, वो वहीं पर अवेलेबल होते हैं, तो उसका अगर हर्बेरियम हमारे पास अवेलेबल है तो हमें साउथ में जाने की जरूरत नहीं है। और वहाँ की जो इकोलॉजी है, उसका जो हैबिटेट है,
जिगर इकोलॉजी है उसका हैबिटेट है वो उसके हर्बेरियम के ऊपर रिटर्न होगा, उससे हमें इकोलॉजी का पता लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह के प्लांट्स अवेलेबल हैं। इट सर्व एज द क्विक रेफरल सिस्टम फॉर द टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, कि हम अगर प्लांट्स की स्टडी करना चाहते हैं तो हमें बहुत ही क्विक और यू कैन से फास्ट और ईजी वे ये हर्बेरियम्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ कम टू द कि हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर्बेरियम अवेलेबल हैं, सबसे जो यू कैन से बड़ा जो यू कैन से हर्बेरिया अवेलेबल है रॉयल बोटैनिकल गार्डन जो क्यू के अंदर लंदन के अंदर प्रेजेंट है, और इस हर्बेरिया के अंदर लगभग 6.5 मिलियन हर्बेरियम स्पीसीमेंस प्रेजेंट हैं। देखिए सबसे बड़ा मैं कहता हूँ कि जो रॉयल बोटैनिकल गार्डन इज द लार्जेस्ट यू कैन से हर्बेरिया इन द वर्ल्ड। नाउ सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ये इंडियन बोटैनिकल गार्डन जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर क्या है 2.0 मिलियन हर्बेरियम स्पीसीज आर प्रेजेंट वहाँ पर, मीन्स 2.0 मिलियन हर्बेरियम स्पेसिमेंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, सिपुर कोलकाता इंडिया के अंदर ये प्रेजेंट है। दूसरा है, तीसरा है हमारे पास मद्रास हर्बेरियम जो कोयम्बटूर में प्रेजेंट है इंडिया में, इसके अंदर लगभग हमारे पास 150,000 हर्बेरियम स्पेसिमेंस जो हर्बेरिया के प्रेजेंट हैं। नाउ हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया के अंदर है, यहाँ लगभग 80,000 यू कैन से हर्बेरियम स्पेसिमेंस अवेलेबल हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम सिर्फ हर्बेरियम ही पढ़ेंगे, अगला जो लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द यू कैन से बोटैनिकल गार्डन एज वेल एज द म्यूजियम। तो बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर न्यू व्यूअर्स जुड़े हैं मेरे चैनल से तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।